आज की जो स्टोरी है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी पूरी लाइफ के लिए। आज के बाद आप इस गलती को कभी नहीं करेंगे। तो ये जो कहानी जो होती है, ये एक बंदर की कहानी होती है जो कि एक जंगल के अंदर रहा करता था। वो सभी जानवरों से हमेशा पंगे लिया करता था, हमेशा अपनी मस्ती के अंदर मगन रहता था और हमेशा कुछ ना कुछ गलती करके वहां से चुपचाप भाग जाता था। सभी जितने भी जानवर थे वो सब उससे परेशान हो गए थे और वो सब चाहते थे कि अगर वो एक बार हाथ लग जाए तो उसे खूब मारे। और एक दिन क्या होता है कि वो हाथी को छेड़ देता है और हाथी उसके पीछे पड़ जाता है और वो दूर तक उसे भगा के लेके जाता है और उसके बाद वो एक खाई के अंदर गिर जाता है। जब वो खाई के अंदर गिर जाता है तो जितने भी जानवर होते हैं उन सबको पता चल जाता है कि वो जो बंदर जो था उसकी मौत हो चुकी है और सब यही मानकर वहां से चले जाते हैं। पर वो जो बंदर जो होता है वो मरा नहीं होता, वो वहां पर उसको बहुत ज्यादा चोट वोट लगी होती है और वो अपना भेष बदल के और अपनी आवाज बदल के वापस आ जाता है वहीं पे। और कुछ दिनों के बाद वो जब वहां पे पहुंचता है तो वो आकर वहां पर उन सबको डराने की कोशिश करता है और इतनी देर में पीछे से बिजली कड़क जाती है और जैसी पीछे से बिजली कड़कती है वो सारे के सारे जानवर थे वो डर जाते हैं और वो सोचते हैं कि ये जो बंदर जो है ये देवता बंदर है और हमारी सबकी ये मदद करने आया और अगर हमने इसको छेड़ा तो ये हम सबको मार डालेगा। तो वो सबकी सब उस जानवर को क्या कहते हैं अपना देवता मानने लग जाते हैं और वो सब उससे पूछते भी हैं कि आप हमारे बारे में बताओ, आप हमारे बारे में बताओ। तो उस बंदर को तो सबके बारे में पता होता है और वो सबके बारे में एग्जैक्टली वैसा का वैसा ही बता देता है। तो सब यकीन मानने लग जाते हैं कि हाँ ये तो पक्का एक ऊपर से आया हुआ एक भगवान है, एक देवता है। तो उसके बाद जैसे ही वो सब वहां पर वो आकर सबको बोलता है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुमको मार डालूंगा, तुम्हें हर वो काम करना है जो मैं तुम्हें कहूंगा। तो वो जो बंदर था वो जब चाहता था तब वो खाने के लिए कुछ मंगा लेता था, कभी भी किसी को छेड़ देता था, जब वो चाहता था वो अपनी पूरी मनमानी करता था और सबके सब उससे बहुत ज्यादा डरते थे। पर एक दिन क्या होता है, वो जो बंदर जो होता है वो अपनी आवाज बदल के जो बोलता था एक दिन उसने गलती से अपनी आवाज के अंदर ही बोल दिया और जितने भी वो जानवर थे उन सबको उसकी आवाज इतनी अच्छे से मालूम थी कि वो कहीं से दूर से भी पहचान लेते थे कि वो एक बंदर आ रहा है अपने आसपास। और जैसे ही वो सुनते हैं, वो उसकी तरफ देखते हैं तो उस बंदर का एकदम से जैसे चेहरा उतरता है तो सारे के सारे जानवर उसको आते हैं उसके पास में और आकर उसको सब मार देते हैं। अब जो इस स्टोरी का जो मैसेज है वो इस स्टोरी का मैसेज ये है कि हम हमेशा अपनी जिंदगी के अंदर कभी ना कभी किसी का बेईमानी करते हैं, हमेशा किसी ना किसी को छेड़ते रहते हैं, पर जो कि ये काम बहुत ज्यादा गलत है। अगर हम अपनी जिंदगी के अंदर ऐसा करेंगे तो हम आज तो खुश रहेंगे, कल भी खुश रह सकते हैं, पर पूरी जिंदगी भर थोड़ा ना खुश रहेंगे। हम किसी के साथ बेईमानी करके कब तक खुश रह लेंगे? तो आप अपनी जिंदगी के अंदर कभी भी किसी के साथ बेईमानी और धोखाधड़ी मत करना और हमेशा जो कुछ अच्छा हो सके सामने वाले के लिए वो करना। तो ये है इस स्टोरी का मैसेज। आपको ये मैसेज कैसा लगा आप इस वीडियो को लाइक करके और कमेंट में बता सकते हैं। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।